जो इन्फॉर्मेशन दी वो कुछ हद तक हैरान कर देने वाली थी। बिल्किस की क्वालिफिकेशन उन्होंने बताया कि ग्रेजुएट है, तभी पीईटी मिला है, मगर 2009 में जब हम देखते 8 में उनका प्लस 2 कंप्लीट हुआ था। कंप्लेंट थी जो प्रोक्योरमेंट है जो बोर्ड का, वो एक फुल फ्लेज्ड कंप्लेंट थी। अब एक ही बंदे के मुतालिक कंप्लेंट्स थी तो क्लब हो गई थी। बिल्किस मीर वादी कश्मीर में वाटर स्पोर्ट्स का माना और जाना नाम, लेकिन कई दिन कबल एसीबी ने उसके खिलाफ 2 एफआईआर दर्ज किए हैं। और जो बिल्किस मीर है उसने न सिर्फ मुल्की सतह पर बल्कि बैन अवी सतह पर भी मुल्क की बतौर खिलाड़ी और कोच नुमाइंदगी की है। और इस पर आरटीआई जो किया गया है वो स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट है शाहना फातिमा, जो इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। शाहना जी, आपने आरटीआई किया है, ये आरटीआई क्यों किया गया और क्या आपने देखा उस बुनियाद पर आपने आरटीआई वहां दर्ज किया? देखिए परवेज साहब, जितने मुतासर आप बिल्किस से हैं या हर कोई आज से पहले था, मैं भी उतनी ही थी। जश्न डल का इनकाद हुआ था वहाँ पर, वो जो पुलिस टूर्नामेंट एक होती थी, पुलिस टीम के जो वाटर स्पोर्ट्स के लड़के थे, मैंने देखे कुर्सियाँ लगाते हुए ऐसे, मगर दिल मलूल देखे। मैंने उनसे पूछा कि आप भी वाटर स्पोर्ट्स में हैं? तो हैरतन उन्होंने बताया कि किसी के पास 81 मेडल है, किसी के पास और भी ज़्यादा। तो मैंने बोला फिर कुर्सियाँ क्यों लगाते हो, आप क्या काम करते हो? बोले मैडम हम यहाँ नहीं करते हैं, पुलिस टीम में हम हैं और खेल रहे हैं। उन्होंने बोला कि इनके पास तो खुद एक मेडल है, हमारे पास इतने सारे मेडल होने के बावजूद भी हमारी कोई इज्जत नहीं। तो मैंने बोला आप बात क्यों नहीं करते इनसे? बोले हम अगर करते हैं तो हमें ऐसा तासुर दिया जाता है कि आप किसी लड़की की वो हैरेसमेंट कंप्लेंट्स, आजकल देखिए आप लड़कियों की बहुत ज़्यादा सुनी जाती है एज़ कम्पेयर टू लड़के मेल, हाँ जी, तो वो नहीं कर पाते थे। तो मुझे, मैंने बोला मैं इनसे बात करूं। मैंने उनसे कहा मैडम ये ऐसा ऐसा बोल रहे हैं आपके पास ऐसा, उन्होंने मतलब बिल्कुल कॉन्फिडेंटली मुझे बोला कि मैडम ये तो मेरे बारे में ये चलता ही रहता है, क्यों ना आप एक आरटीआई करें विद हर परमिशन। अच्छा, हाँ, शी टोल्ड मी कि आप आरटीआई से तो पता ही चलेगा, ऑलरेडी 2-4 बंधु ने तो की कर रखी है। तो मैंने आरटीआई की, जो इन्फॉर्मेशन दी वो कुछ हद तक हैरान कर देने वाली थी। उन्होंने बताया कि बिल्किस के साथ इस ऑर्डर में और भी बंदे अपॉइंट हुए हैं जो कि तब आउटस्टैंडिंग स्पोर्ट्स पर्सन की बिना पर मिलता था, फिजिकल एजुकेशन टीचर, जी पीईटी लगे हुए थे वो सारे बंदे, 3-4 थे, जम्मू का भी एक था उसमें से। मैंने बोला डायरेक्टर लेवल तक कितने पहुंचे हैं? उन्होंने बोला कोई नहीं, अभी तक वो इसी पोस्ट पर हैं जो जिस पर लगे थे, यही एक प्रमोट हुई है। फिर मैंने बोला बिल्किस की क्वालिफिकेशन, उन्होंने बताया कि ग्रेजुएट है, तभी पीईटी मिला है, मगर 2009 में जब हम देखते 8 में उनका प्लस 2 कंप्लीट हुआ था। मैंने बोला वो गोल्ड मेडल या वो सिल्वर मेडल ब्रॉन्ज मेडल उनको जो मिला है मुझे बता दीजिए, जिसके बिना पर इनको ये जॉब मिला है। उनके पास वो भी नहीं था, मतलब इन्फॉर्मेशन नहीं थी अवेलेबल। मैंने बोला पुलिस वेरिफिकेशन बाकी चीज़ें हुई हैं जब ये, उन्होंने बोला नहीं, उनके पास वो भी ऑर्डर कोई नहीं था, जैसे होती है कोई एम्प्लॉय। आरटीआई के जवाब जो बहुत सारे जवाब हमें मिले, हम नेक्स्ट ऑप्शन हमारा था कि हायर अथॉरिटी से पूछे कि व्हाट्स हैपनिंग हियर, कि ये क्या सच है हमें बता दीजिए, बिकॉज अगर आप किसी अपॉइंटमेंट कैसे हुए, जैसे आप भी ये कहते हो किस तरह ये इस मंसब पर पहुंची है मुझे पता, क्योंकि अगर कोई और इनको फॉलो करता है वो भी देखें। वहां से वो लड़के बोल रहे थे कि ऐसा कुछ है नहीं, तो डिफरेंट चीजें फॉलो हुई हैं। कभी आप कहते हैं कि वो बैन अल-अक़वामी कोच है, कभी कहते हैं प्लेयर है, कोई और कहता है कि हंगरी, हाँ हंगरी में तो वो गई थी कोचिंग का कोई कोर्स कुछ दिनों के लिए, फेडरेशंस वगैरह भेजती है, वहाँ से इंडियन टीम तब खेलने नहीं गई थी, इनको अपनी फेडरेशन ने वहीं से बोला कि अब आप गई हुई ही हो, वहाँ से पार्टिसिपेट कर लो, तो ट्रायल वायल नहीं हुआ। ये सारी चीज़ें थी वही क्लियर कर सकते थे, मगर वहाँ हमें पता चला यही एक कंप्लेंट नहीं है, कंप्लेंट और भी है इसके खिलाफ, इसके खिलाफ वहाँ कंप्लेंट थी। खैर ये तो थी, ये तो कंसर्न था, हमें क्लियर कीजिए, कंप्लेंट थी जो प्रोक्योरमेंट है जो बोर्ड्स का, वो एक फुल फ्लेज्ड कंप्लेंट थी। अब एक ही बंदे के मुतालिक कंप्लेंट्स थी तो क्लब हो गई थी। शायना जी, आपसे जानना चाहूँगा कि जो एफआईआर दर्ज किया गया है और एसीबी ने जिक्र किया है कि उसकी जो बुनियादी तकरीरी है वही गलत है, क्योंकि जो सर्टिफिकेट्स या डिग्री होनी चाहिए वो नहीं है उसके पास। देखिए तकरीरी तो पहले उसकी जो जिस बुनियाद पर हुई है वो हुई है आउटस्टैंडिंग स्पोर्ट्स पर्सन, वहाँ वो ठीक है, क्योंकि अगर उसने मेडल कोई लाया है, जिस तरह बाकियों को नौकरी मिलती है, उसको कोई एहसान नहीं किया आपने, उसको नौकरी आपने दे दी, मगर वो कंडीशनल थी, उसमें साफ लिखा गया है कि 2 साल के अंडर आप गांधरबल वो स्पोर्ट्स फिजिकल कॉल
उसमें जाकर आप अपना ये बीपीएड कंप्लीट कर, अगर यहाँ नहीं कर पाती, वो कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं था, वो कहीं और भी कर सकती थी, डिग्री पेश करनी, डिग्री करनी थी दो, तभी तो उनका वो टेक्निकल वाला पोर्शन कंप्लीट हो जाता। खैर, और पीईटी तब कहते हैं कि जनरल ग्रेजुएट और दूसरा की ट्रेनिंग होनी चाहिए, बाज़ाब्ता उसकी डिग्री होनी चाहिए। ठीक, देखिए, अब इसने वो भी तब बताया है कि ग्रेजुएट हूँ, मैं ग्रेजुएट हूँ, मगर आज आप अगर यूनिवर्सिटी का रिकॉर्ड चेक करके देखिए उनकी वेबसाइट पे, आपको पता चलेगा कि बस एक साल पहले या मेरे ख्याल 2022 में से पहले कुछ इसका ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ है, 19 साल, और तब जब पीईटी दिया है तब ये ग्रेजुएट थी ही नहीं, बताया कि ग्रेजुएट है, ठीक है, उस बिना पर पीईटी मिला, नहीं तो उससे कम थोड़ा दर्जे में कोई और जॉब मिल जाता, मेरे ख्याल लोअर पोस्ट होती, या चलो खैर मिल गया, तो मगर वक्त भी दिया गया है उसको अपनी डिग्रियां या सर्टिफिकेट पेश करने के लिए, मगर वो कासिर रही है, लेकिन उसकी जो तैनाती है एक, और दूसरा कि मुतवातिर उसकी प्रमोशन होती गई, और वो इंचार्ज इस वक्त है कि एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर वाटर स्पोर्ट्स सेंटर जो हमारे डल लेक में है। जी देखिए, डल लेक की जो, जब वो डायरेक्टर वाली बात आई, हमने अभी की जो सेक्रेटरी स्पोर्ट्स काउंसिल है नुसरत गुल जी, हमने उनसे बात की, तो उन्होंने उनका वो बोर्ड उतरवा दिया था वहाँ से, बोला आप हो ही नहीं, ऐसा मेरे पास कोई ऑर्डर नहीं है, यू आर नॉट डायरेक्टर, आप ये मत लगाओ ये बोर्ड, तो वो उतर गया था उनका बोर्ड। उसके बाद खैर ये वो कह रही थी कि मेरे पास ऑर्डर है, मुझे बाज़ाब्ता ऑर्डर के अगेंस्ट बनाया गया है डायरेक्टर, और ये जो गई है इसी भी बोलते हैं इनको कि अगर आपने नहीं किया, ठीक है नहीं किया, खैर ये उसके लिए मोहलत भी मांग सकती थी, कहीं जा भी सकती थी रिलीव के लिए कि मुझे और अब टाइम दे दो, तब नहीं मिला, अब कर सकती हूँ, अगर नहीं मिला तो आपका प्रमोशन किस तरीके से हुआ, प्रमोशन हुआ तो हुआ, ग्रेड किस तरीके से बढ़ा। और इसमें सोचने वाली बात यह है, आपको लगता है कि ये सवालात खाली बिल्किस पे ही नहीं उठते हैं, दीगर अफसरान भी इसमें मुलव्वस हो सकते हैं? बिल्कुल, देखिए अब वो समझिए, आज से 15 साल पहले, 10 साल पहले, बिल्किस 10 साल छोटी भी होंगी ना, उसको किसी ने गाइड किया होगा, हम तो कहते हैं कि मतलब जो एसीबी कहती है पैसा ही इन्वॉल्व हुआ होगा या क्या कर कह सकते हैं इसमें, मगर एक ही चीज़ नहीं है ये, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो लगे हैं, जैसे गामट ने पिछले ऑर्डर निकाले थे कि अपॉइंटमेंट ऑर्डर्स देख लीजिए इनके, उसमें से बहुत सारे फ्रेम में आए हैं कि चेक हो रहे हैं, अब ऐसा नहीं कि मतलब ओवरनाइट किसी का ये हुआ है, बहुत सारे ऐसे लोग हैं, मतलब बड़ी बड़ी तैनाती ऐसी, मगर अब हमारा फील्ड जो स्पोर्ट्स है हम यही देखेंगे। ये बताइए कि आपने आरटीआई दाखिल तो किया, तो इसकी इन्फॉर्मेशन हासिल करने के लिए, क्योंकि आपको स्कूटी बनाई थी, बहसती स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट, इस पूरे मामले को आप किस तरह देखती है, क्या आपको लगता है कि नाइंसाफ़ी हो रही है स्पोर्ट्स में? देखिए, नाइंसाफ़ी तो हम खुद करवाते हैं, देखिए अगर मैं 5 मिनट के लिए, ऐसा भी एक चलन चला है, आप जितना छपते हैं उतना ज़्यादा आप फेमस हो जाते हैं, अगले बंदे को पता ही नहीं होता, मैं साइड में किसी मिनिस्टर के साथ खड़ी हो गई, सर मुझे अप्रिसिएशन दीजिए, या वो खुद देते हैं, अगले दिन पेपर में आ जाता है कि देखिए उनको अप्रिशिएट किया गया, आपके दिमाग में वो छवि बैठ जाती है कि नहीं हर जगह इनको बुलाया जाता है, ये कुछ ना कुछ होंगे। आप देखिए हमारे यहाँ एशियन गेम्स की बात होती है, बहुत सारे बैनुल अक्वामी जो ये टूर्नामेंट्स होते हैं, कहीं ना कहीं हम अभी भी पीछे हैं, और आप देखिए ऐसे ही बंदे जो सिर्फ प्रेजेंस के लिए वहाँ जाते हैं, एयरपोर्ट पे 200 बंदे वेट करवाते हैं माला वाला करके, उससे क्या फ़ायदा स्टेट का, आप अपने लेवल पे गए हो ठीक है, आपकी अपनी आपका अपना जो सीवी है अपडेट होता है, स्टेट को तो नहीं होता है ना, अपने पर्सनल यूज़ के लिए किसी ने किया तो क्या किया। अच्छा, आप क्योंकि मैंने इब्तिदा में ही जिक्र किया कि आप स्पोर्ट्स को गहराई से देख रही है, आपको लगता है कि नेक्स्ट बिल्किस अभी तक नहीं बन पाई? देखिए मैंने जब इनसे, मेरी सेम बात इनसे हुई, जब मैंने बताया आपसे पहले ही कि मेरी जब इनसे इंटरव्यू बहुत बारी हुआ था, पहले हम ही थे वो जिन्होंने इनको क्वीन ऑफ कैनोइंग बताया था, जो मुझे इन्होंने बताया था, मैंने वो भी किया मैडम, फिर वो भी, खैर हम भी तब जल्दी में लिख देते हैं, खैर उसके बाद मैंने इनसे पूछा, मैंने बोला बिल्किस मैम आप कह रही है 15-17 साल से मैं खेल रही हूँ, आई हैव क्लिपिंग्स फॉर दैट, मैंने बोला दूसरी बिल्किस आप क्यों नहीं आई, मतलब ऐसा क्यों है, जिस भी स्पोर्ट्स में हम देखें, इट्स नॉट अबाउट बिल्किस ओनली, कहीं आप देखेंगे कोई बहुत बड़ा प्लेयर है वो दूसरा नहीं कर पा रहा, हमारे बॉडी बिल्डिंग में जो हमारे और एक है मतलब स्पोर्ट्स काउंसिल में ना, मतलब बेस्ट ऑफ द बेस्ट थे हमारे स्पोर्ट्स काउंसिल में, मगर उन जैसा कोई नहीं आया, फिर दोबारा क्यों नहीं आए, अगर आपको प्लेयर से जाकर कोच का जॉब मिला, गवर्नमेंट ने आपको दिया जॉब, उसके बाद आपने करने थे तैयार अपने जैसे और भी बच्चे, आप पे फोकस हट जाता और उन पे ही लग जाता, जब यही आप 17 साल से एक ही बंदे को अवार्ड अप्रिसिएशन बाकी चीज़ें, बंदा बोलता है ना कि यही एक है, बाकी लड़कियां नहीं है वहाँ डल लेक में, बहुत बहुत सारी हैं लड़कियां वहाँ पे जो
काम करती है, और जब हम फिर न्यूज़ में देखते हैं उसको मेडल इसको मेडल सामने, फिर वो नौकरियों तक ही महदूद रहते हैं। ये मामला महदूद बिल्किस तक नहीं रहना चाहिए, इट शुड नॉट बी कन्फाइंड टू द बिल्किस ओनली। बिल्किस एक लड़की है, ऐसे तो बहुत सारे होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। ये थी स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट शाहना फातिमा जी, जिनका कहना है कि ACB ने तो FIR दर्ज की है, अब देखना ये होगा कि आगे किस तरह की कार्रवाई बिल्किस या इससे मुंसलिक दीगर अफसरान के साथ हो सकती है, क्या वाकई अब इस पे सही मानों में कार्रवाई हो जाएगी और जो सच है वो सामने लाया जाएगा और लोगों के सामने सही तस्वीर पेश की जाएगी इस जो मामला पेश आया है बिल्किस और वाटर स्पोर्ट्स के हवाले से। वीडियो जर्नलिस्ट सजाद अमीन, परवेज उद्दीन, ETV भारत, श्रीनगर।